हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F13 एरर कोड के बारे में। हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F13 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F13 एरर कोड के बारे में। हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F13 एरर कोड का क्या सॉल्यूशन है? तो गाइस, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, ये इंडोर यूनिट से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, तो ये आउटडोर यूनिट में आपको फॉल्ट मिलेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, ये जो F13 एरर कोड हमें देखने को मिलता है हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, जो हमारी PCB कार्ड होती है आउटडोर की, उसमें हमारी एक जो मॉड्यूल PCB होती है, एक जो हमारी बड़ी वाली PCB होती है, ये इन दोनों PCB जो ये कम्युनिकेशन का एरर रहता है, अगर आपस में दोनों बातचीत करती होती हैं, अगर इनमें जरा सी भी कोई बातचीत या कोई तार ऐसी हुई जो आपस में बातचीत ना कर पाए, तो उस रीज़न से ये हमें F13 एरर कोड देखने को मिलता है हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। हो सकता है आपका मॉड्यूल PCB खराब हो चुका हो, एक उसमें IC डिफ्लेक्टर वगैरह कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो आपको PCB कार्ड वालों से रिपेयर करानी पड़ती हैं। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर F13 एरर कोड आपको देखने को मिल रहा है और आप AC टेक्नीशियन हैं या फिर आप कस्टमर हैं, अगर आप AC टेक्नीशियन हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आपको आउटडोर की PCB को खोल लेना है और वो आपको रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये मॉड्यूल PCB और एक जो उसमें हमारी बड़ी PCB होती है, जो आपस में बातचीत करती होती हैं, कम्युनिकेटेड होती हैं, अगर वो आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं तब हमें F13 एरर कोड देखने को मिलता है, तो आप उसको रिपेयर करा लें। अगर आप कस्टमर हैं तो आप सर्विस सेंटर पर कॉल करके या फिर आप हमें भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने लोकल के अपने लोकल के टेक्नीशियन को भी कॉल करके बुला सकते हैं और PCB कार्ड को रिपेयर करा सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रोज की ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्थी होम सर्विस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।